हेलो गाइस, माय नेम इज तरुण कुमार और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑटोकैड। आज हम ऑटोकैड का 2018 वर्जन यूज़ करने जा रहे हैं, तो बने रहिए इसी प्रकार मेरी वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, चलिए तो फिर ओके चलते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार पेज ओपन हो गया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा पेज ओपन हो गया है। तो दोस्तों इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ कमांड का पता होना चाहिए, तो इसमें हम UN कमांड्स को यूज़ करते हैं। पहले हम इसमें यूनिट सेट कर लेते हैं, तो आर्टिकल पे हमने ओके करा। और दोस्तों आपको ये और भी कमांड्स मिल जाएंगी, अगर आप और किसी पे वर्क करने चाहते हैं तो हमने आर्टिकल यूज़ कर लिया। ओके गाइस, तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको 0 फीट 0 इंचज पे हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से आपको फीट, मीटर, किलो, मीटर, सेंटी सब में पूछता है, तो हमने इंचेस में कर लिया ये। दोस्तों L कमांड्स का यूज़ करके यहाँ से हम पॉइंट पर रख के यहाँ से हम लेंगे 12, एक ड्राइंग रूम 12x15, तो हम 12x15 का एक ड्राइंग रूम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 12x15 का फिट, एंटर। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार आया है, इसको इससे मिला के अब फिर हम L कमांड्स का यूज़ करेंगे। अब हम किचन बनाएंगे, किचन बनाना है हमको 7x9 का। तो ये देखिए दोस्तों 7, ये हमारा कुछ इस प्रकार आएगा। तो ये देखिए दोस्तों 7 फीट 9 इंच, सॉरी दोस्तों 9 फिट। तो इसको हम इससे मिला देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं पूजा रूम, इसके लिए L कमांड्स का यूज़ करेंगे। L एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ एक पॉइंट रखेंगे, यहाँ से हम जाएंगे 5x5 फीट का एक पूजा रूम बना लेंगे, क्योंकि घर में पूजा करनी भी ज़रूरी होती है। तो ये देखिए दोस्तों अब इसके बाद हम L कमांड्स का यूज़ करेंगे। L कमांड्स का यूज़ करने के बाद हम एक बनाएंगे यहाँ टॉयलेट, तो टॉयलेट बनाएंगे हम 3x2 फीट की। तो यहाँ से हम डायमेंशन सेट कर लेंगे 3। तो देखिए दोस्तों 3x2 फीट, इसको इससे मिला देंगे पॉइंट्स से, तो हमारी एक टॉयलेट बन गई। इसी प्रकार L एंटर का यूज़ करके अब हम बनाने जा रहे हैं एक गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम बनाएंगे हम 10x10 का। ये देखिए दोस्तों 10x10 का गेस्ट रूम बनाने के लिए हम यहाँ 10 फीट एंटर, और यहाँ से भी 10 फीट एंटर, इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये बन गया आपका एक गेस्ट रूम। इसी प्रकार अब हम बनाने जा रहे हैं WC एंड स्टोर, तो उसके लिए L कमांड्स का यूज़ करके ये देखिए दोस्तों यहाँ पॉइंट रख के यहाँ से हम पहले 5 पे लेंगे 5 फीट। 5 फीट लेने के बाद इसको रेखा को मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों ये रेखा यहाँ मिली है आके। अब दोस्तों इस L कमांड्स का यूज़ करके इसको हम इस वाली रेखा से मिला देंगे। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये हमारा डाइनिंग हो गया, जिसमें हम खाना पीना करेंगे। ओके गाइस, तो इस प्रकार ये हमारा प्लान बनकर एक प्लान बन जाता है। तो देखिए दोस्तों अब हम इसमें ऑफसेट का ओ एंटर का कमांड यूज़ करेंगे, और इसमें हम 1 फिट की दीवार लेंगे। ओके गाइस, 1 फिट × एंटर। तो ये देखिए दोस्तों 1 फिट की दीवार ये आ गई। ऐसी करना है आपको भी जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों इसी प्रकार इसको करेंगे, इसी प्रकार इसको करेंगे, इसको अंदर बोलेंगे, सॉरी दोस्तों, इसी प्रकार इसको ये भी
फ्रेंड्स ये भी और ये भी दोस्तों, और दोस्तों ये अंदर को होगा। ओके तो गाइस ये आपका एक फ्लोर प्लान बनकर रेडी होता है। अब दोस्तों इसमें हम ट्रिम्स का यूज़ करेंगे। ट्रिम्स का यूज़ करने के लिए TR आपको एंटर कर देना है। तो देखिए दोस्तों TR एंटर करने के बाद आपको इसके लिए आप पहले कंट्रोल A में जाएंगे, जैसे कि आपको ये पूरी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप करेंगे आप TR एंटर कमांड्स का यूज़ करेंगे और आपको ये वाली रेखा जो है, आपको ये वाली आपको हटानी है। जैसे दोस्तों ही मैं ये हटा रहा हूँ, देखिए देखते रहिए आप वीडियो में। देखिए दोस्तों ये हटाई मैंने, ये देखिए दोस्तों ये भी हटेगी, ये देखिए दोस्तों ऑटो कैट बहुत ही आसान है, इसको करना बहुत ही आसान होता है। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको और दिखाता हूँ, ये भी हटेगी दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये आपकी बॉल है, ये बॉल हटेंगी आपकी। इससे क्या होता है जब आप इसका डिजाइन करेंगे आगे को, जब इसकी हैचिंग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसी प्रकार ये हटा लेंगे। तो दोस्तों ये हुआ बनके तैयार। दोस्तों इसमें एक चीज़ रह गई है जिसको आप ओ कमांड यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपका प्लान ये बनकर तैयार होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इसमें डोल लगाते हैं एंड विंडो और हैचिंग सब करके दिखाएंगे आपको। ओके गाइस, तो बने रहिए मेरी इसी प्रकार इसी वीडियो में। और दोस्तों आपको प्लान बनाना है या बनवाना है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और गाइस आप लाइक करके नहीं जाते हो, आप लाइक कीजिएगा और जो प्रॉब्लम हो मेरे को शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके तो चलो, तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।